हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ अगेन गोइंग टू बी अ चिट चैट वीडियो। आई होप आपको इस ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा आपके लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ नॉलेज इकट्ठा या नॉलेज देने में। तो ये वीडियो होने वाला है कि मैंने डिप्लोमा के बाद बैचलर्स क्यों किया, इसके ऊपर होने वाला है। तो क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करना मतलब बैचलर्स करना छोड़ देते हैं या फिर नॉर्मल बीएससी कर लेते हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बैचलर्स नहीं किया। अगर देखा जाए तो कुछ ही बच्चों ने बैचलर्स किया, बाकी सारे जॉब करने के लिए चले गए, या फिर किसी ने वो नॉर्मल बीएससी किया, किसी ने यही सब किया, जितने लोगों थे उन्होंने यही सब किया। तो इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए कि पीछे से बताती हूँ मैं, मतलब 11-12 से बताती हूँ अपना। तो ऐसा होता है ना कि कोई अचानक से फार्मेसी फील्ड में आ जाता है, या फिर किसी का मन नहीं होता है फार्मेसी फील्ड में आने का, और वो ऐसे ही नीट नहीं होता या फिर कुछ और नहीं मिलता है तो आ जाते हैं फार्मेसी फील्ड में। तो मेरा ऐसा नहीं था कभी। मुझे 10th, 11th, 12th इसी के दौरान मुझे फार्मेसी फील्ड में आना था। मेरा ऐसे फिक्स था कि मुझे फार्मेसी फील्ड में ही जाना है। बट हाँ, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा वो निफ्ट के ओर भी था, क्योंकि मुझे फैशन या मतलब अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करना या फिर किसी का भी कुछ भी कर देना, मतलब स्टाइलिश बनाना, ये मुझे पसंद था। तो मुझे निफ्ट भी करना था, बट निफ्ट से ज़्यादा मेरा रुचि फार्मेसी में था, क्योंकि मेरे जो चाचा हैं वो भी डॉक्टर हैं, मेरे नाना जी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, और मेरे मामा जो हैं वो फार्मासिस्ट हैं। तो मैं बचपन से ही उन्हें देखती थी कि किसी के डिजीज़ को ट्रीट करते हुए देखती थी, या फिर किसी के मतलब मुश्किल घड़ी में, या फिर बोलते हैं जब कोई भी आपको बीमारी होता है तो आपका वो मुश्किल घड़ी ही होता है, मेरे मतलब मुझे जैसा लगता है। तो अगर आप उस वक्त किसी के हेल्प में आ रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे जैसा लगता है। अब पता नहीं लोगों को क्या लगता है, लोगों को भी मोस्ट ऑफ द पर्सन को यही लगता होगा कि हाँ, ऐसे तो हेल्प नहीं आए किसी के तो कोई बात नहीं है, बट किसी के इम्पॉर्टेंट टाइम में, या फिर किसी के डिजीज़ के टाइम में, या फिर बीमारी बोल सकते हैं उसके टाइम में, किसी के अगर हम हेल्प में आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और अगर बात किया जाए निफ्ट का, तो निफ्ट में तो ऐसा है ना कि वो फैशन डिज़ाइनिंग है, तो उतना ज़रूरी नहीं होता है कि आप फैशनेबल दिखो या फैशन के सेंस में आप किसी की हेल्प करो, वो उतना हेल्पफुल नहीं है कंपैरिजन टू कि फार्मासिस्ट बन के किसी को मेडिसिन लेने में हेल्प करो, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के बारे में जानो और किसी को थोड़ा सा एडवाइस भी दे सको कि हाँ, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा रुचि फार्मेसी के फील्ड में ज़्यादा था। और ऐसा हुआ कि 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप भी लिया, क्योंकि उस साल मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने बस नीट का एग्ज़ाम दिया था, बट नीट के बेसिस पे फार्मेसी कॉलेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। बट मुझे लगा कि उतना मतलब नीट से ही हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बता रखा था, मतलब स्कूल में ही, मतलब 11th, 12th में के जो सीनियर थे उन्होंने बता रखा था कि नीट से ही हो जाएगा। और मैं उस टाइम में थोड़ी वो थी, जो भी बोले वो थी, तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था। और मैंने उस ईयर WBJEE का ही एग्ज़ाम दिया था, WBJEE का नहीं, गुड सेट का एग्ज़ाम दिया था जो गुजरात में होता है, तो वो दे रखा था, और मैंने बस नीट दे रखा था। तो नीट के बेसिस पे तो मुझे कॉलेज नहीं मिला, और गुड सेट के बेसिस पे मुझे कॉलेज मिल रहा था, बट वो मैं बिहार की हूँ और गुजरात कहीं और है, और वो कॉलेज उतना अच्छा भी नहीं था, तो मैंने वो फिर कॉलेज नहीं लिया। और मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप लेके मैं अच्छे से तैयारी ही करती हूँ कॉलेज, या फिर अगर नीट में अच्छे थोड़े से भी अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसीलिए मैंने फिर एक साल ड्रॉप ले लिया। फिर मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, फिर मुझे ये फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो फिर ऐसे सब कुछ ठप पर गया था, मतलब ऐसे बोलते ठप या जो भी बोलते हैं वो हो गया था। तो मैंने यहाँ का उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैंने वो दे रखा था, तो उसके बेसिस पे मुझे कॉलेज मिला जो कि सिद्धार्था है, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया अपना, वो भी लॉकडाउन में ही। मेरा मतलब वो जो डिप्लोमा है मेरा, वो एक साल मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस किए हैं डिप्लोमा के, बट ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मैंने क्लास किया है तो मैंने ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दिया है, नहीं, एग्ज़ाम मैंने ऑफलाइन जाके ही एग्ज़ाम दिया है। और अभी भी मुझे याद है कि हम ऐसे बहुत टेंशन में रहते थे कि कब हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तीन चार महीने लेट हुआ था, अगस्त में हुआ था,
जो कि जून में हो जाना चाहिए, अगस्त के लास्ट में हुआ था। तो फिर मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो होता है ना इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है किसी सेक्टर में किसी का इंटरेस्ट, तो मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता ही गया फार्मेसी फील्ड में। और मेरे जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे, यहाँ तक कि बोलो कि अगर मेरे को कुछ कन्फ्यूज़न रहता था एग्ज़ाम से पहले, मैं रात को भी उन्हें कॉल करती थी, तो मतलब रात को 8 बजे से पहले कॉल करती थी, तो वो मुझे समझा देते थे कि हाँ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो उसके बाद डिप्लोमा के बाद ऐसा था कि मैं जॉब भी कर सकती हूँ, क्योंकि डिप्लोमा के बाद ही मोस्ट ऑफ़ द हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जॉब होता है, और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उनका भी यही रिक्वायरमेंट होता है कि आपने डिप्लोमा कर रखा है, बस दैट्स इट, तो आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हो। तो मैंने कर रखा था, बट मैं जब घर गई इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप अपने घर से ही करा हुआ है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, आपको पता होगा मधुबनी पेंटिंग तो पता होगा, तो वो मधुबनी पेंटिंग जहाँ का फेमस है मैं वहीं की हूँ, मधुबनी की, मिथिलांचल की। तो मैं घर गई, उसके बाद ऐसा मेरा हो रहा था कि मैं आगे स्टडी करूँ या नहीं करूँ, फिर क्या करना है। तो मेरे घर वालों ने सीधा बोल दिया कि तुम्हारी अभी कोई ऐसी एज नहीं हुई है, तुम्हारा ऐसा कोई एज नहीं है कि तुम अभी कमा के हमें दो पैसे, और कोई तुमसे पैसे मांग भी नहीं रहा है, अभी एज है तो पढ़ लो। और मेरा भी ऐसा ही था कि मतलब ऐसे होता है ना कि डिप्लोमा ही अगर आपने कर रखा हो, आप जॉब कर रहे हो, तो इतनी वैल्यू नहीं मिलती है हमें सोसाइटी में, अगर सच बोलो तो नहीं मिलती है उतनी वैल्यू कि आप डिप्लोमा ही कर रखा हो, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करो, तो वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है और नॉलेज भी बढ़ जाता है, तो हमारे लिए तो सही है भाई। तो इसीलिए मैंने फिर, और मैं इतने कम एज में कमाना भी नहीं चाहती थी, और मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं कमाऊँ इतने एज में। और अगर बोला जाए दूसरा रीज़न तो, और ये भी था कि अगर मैं जल्दी कमाने लगती तो मेरे घर वालों को लगता कि बेटी सेट हो गई है, तो फिर शादी वादी के लिए बोलते, तो इसके लिए भी मैं चाह रही थी कि ऐसा कुछ ना हो 4-5 साल तक। तो मैंने सोचा कि चलो बैचलर्स ही कर लेते हैं, और मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था बहुत ज़्यादा स्टडी में, और ऐसा था कि मैंने डिप्लोमा में जो हम पढ़ते हैं उसी का बैचलर्स में हम वो करते हैं, उसी का डिटेल वे में बैचलर्स में पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा था कि हाँ मैंने डिप्लोमा में पढ़ा, इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो बैचलर्स में हो सकता है और भी इंटरेस्टिंग लगे, और वही तो पढ़ना है मुझे फिर से। और ऐसा और जो रीज़न बताया जाए तो, और ये भी था कि मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना था, एटलीस्ट मतलब मुझे 18 मंथ का तो एक्सपीरियंस लेना ही है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, क्योंकि 18 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद ही आप DI के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा भी था कि मेरे घर वालों को ये भी था कि बेटी बहुत तेज है पढ़ने में, बट सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे मामा जी जो हैं वो, उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है, मतलब बचपन से ही उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो उनका ऐसा था कि मतलब तू पढ़ने में अच्छी है, तेरा अच्छा अच्छा मार्क्स आया डिप्लोमा में, तो तू बैचलर्स कर ले, फिर तू एक्सपीरियंस ले लेना, फिर तू DI का एग्ज़ाम देना, और तू ड्रग इंस्पेक्टर बन जाना। तो इसके लिए भी था कि हाँ मतलब कर लेते हैं बैचलर्स, ऐसा नहीं है कर लेते हैं ऐसे नॉर्मली कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, मतलब अच्छे वे में कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया SBS यूनिवर्सिटी जो देहरादून में है, वहाँ मुझे यहाँ पे अच्छे खासे स्कॉलरशिप भी मिल रहे थे कि ये कॉलेज जो मतलब मेरा जो अभी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब फेमस नहीं बोल सकते, वो बहुत उसने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो नॉलेज पर्सन है फार्मेसी के वो जानते हैं कि कितना वैल्यू है SBS का। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया BPharm के लिए, और फिर मुझे यहाँ पे अच्छे खासे स्कॉलरशिप भी मिल रहे थे मेरे डिप्लोमा मार्क्स के बेसिस पे। तो फिर मैंने सोचा कि यहीं ले लेती हूँ कॉलेज और कर लेती हूँ अपना बैचलर्स। आई थिंक ये बहुत बड़ा सा वीडियो हो गया, बट कोई नहीं, आपको मेरी स्टोरी, मतलब मैंने डिप्लोमा के बाद बैचलर्स क्यों किया ये मुझे ये पता चल गया होगा। आई नो ये वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, बट क्या पता किसी को हेल्प या फिर किसी को नॉलेजेबल लगे ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।